अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है 32 नंबर क्लास बिगनर सीरीज की, जो फोटोशॉप की क्लासेज हैं उसमें ये है 32 नंबर क्लास। और इसमें आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वैनिशिंग पॉइंट के बारे में। वैनिशिंग पॉइंट बहुत ज़बरदस्त टूल जो के फोटोशॉप सीसी में भी है, फोटोशॉप CS6 में भी है। ये किस लिए काम होता है? ये ज़्यादातर जो हम लोग मॉकअप बनाते हैं या किसी तरह कोई 3D चीज़ होती है उसमें अपने लोगोज़ को मर्ज करने के लिए या किसी भी चीज़ को मर्ज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में गाइड किया कि ऑलरेडी पर्सपेक्टिव में आपकी चीज़ें फिक्सिंग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज, ये मेरे पास है और मैं चाह रहा हूँ इस जगह पे, इस बिलबोर्ड पे ये वाली इमेज आ जाए। ये इमेज है वोमेन की, ये इमेज एग्जैक्टली इसी एंगल में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग विनिशिंग पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो इसकी मैंने कंट्रोल जे करके कॉपी ले ली है और कंट्रोल ए करूँगा जिससे ये सिलेक्शन कर लेगा। साइड पे आपको सिलेक्शन नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखा सकूँ तो ये ओवरऑल ये सिलेक्शन कर लेगा और मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होगा कि वो कट कर देगा उसको। ये देखें, आप देख सकते हैं कि उसने उसको कट कर दिया है। तो मैं डायरेक्टली इस जगह पे जाऊंगा और मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे ये आके पेस्ट हो जाए एग्जैक्टली, ऐसा ना लगे कि यार मैंने किसी चीज़ को फिक्स किया है। तो उसके लिए विनिशिंग पॉइंट मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल वी करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज इसी तरह आ गई है। इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इस तरह फिक्सिंग नहीं हो रही। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार एग्जैक्टली इसी जगह पे फिक्स हो और जो है इसी तरह पर्सपेक्टिव में फिक्स हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं विनिशिंग पॉइंट का यूज़ करूंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि विनिशिंग पॉइंट के थ्रू आप किस तरह पर्सपेक्टिव वाली चीज़ों में अपना मॉकअप या कोई भी चीज़ आप इजीली दिखा सकते हैं। दो एग्जांपल्स इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट एक एग्जांपल इस चीज़ की है कि आप साइन बोर्ड या किसी भी चीज़ पे आप वो किस तरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक पर्सपेक्टिव है। तो विनिशिंग जो पॉइंट का हमारा जो टूल है वो डायरेक्टली फिल्टर में आप जाएंगे, फिल्टर में जाके आपके पास ऑप्शन आ रही होगी विनिशिंग पॉइंट की। ये डायरेक्टली ऑयल पेंट के बिल्कुल नीचे विनिशिंग पॉइंट की ऑप्शन आ रही होगी, आपने जस्ट उस पर जाना है तो आपके पास ये वाली ऑप्शंस खुल जाएंगी। ये CS6 में मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी भी आपके वर्जन हैं उन सब में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप जो है ना ये सब काम कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये सिलेक्शन के लिए है, सेकेंड वाली से आप एरिया सेलेक्ट करेंगे कि किस एरिया में आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ आ जाए एग्जैक्टली। तो इसको मैं जूम करूंगा कंट्रोल बार दबा के और स्पेस बार के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जूम करना है आपने और एग्जैक्टली वो पॉइंट एरिया उसको गाइड करना है कि आपने किस एरिया में लाके रखना है। इसको मैं जस्ट लेफ्ट क्लिक के करूंगा तो ये हमारे पास सिलेक्शन वो कर देगा उस एरिया को। तो दूसरा लेफ्ट क्लिक इस कॉर्नर पर करूंगा, तीसरा लेफ्ट क्लिक इस कॉर्नर पर करूंगा और चौथा इस कॉर्नर पे करूंगा। और अगर मैं चाहूंगा शिफ्ट के थ्रू इसको मूव भी करवा सकूंगा। आप देख सकते हैं कि शिफ्ट के थ्रू ये चीज उसी एंगल में, अगर मैं चाहूं हॉरिजॉन्टली इसको मैं मूव करवा सकता हूं, इसको एग्जैक्टली इस जगह पे ला के रख देता हूं। और यही चीज अगर मैं वर्टिकली चाहूंगा, शिफ्ट जस्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ SHIFT, शिफ्ट जस्ट प्रेस कर रहा हूँ और जस्ट वर्टिकली भी आप इसको मूवमेंट करवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी टेक्निक है। आपने जस्ट ओवरऑल एरिया सिलेक्शन कर लिया। जब आप ओवरऑल एरिया जब आप सिलेक्शन कर लेंगे तो आपके पास कंट्रोल वी मैं दबाऊंगा। कंट्रोल वी जब प्रेस करूंगा हमारे पास वो इमेज आ जाएगी, लेकिन ये साइज में इमेज थोड़ा बड़ा है तो कंट्रोल टी दबाऊंगा, जिससे जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्म, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया था। इसको मैं इसका साइज छोटा कर लूंगा, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसका साइज मैं बिल्कुल छोटा कर लूंगा और एग्जैक्टली उस हिसाब से कर लूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उस तरह आ गया है। फिर जब मैं इस बॉक्स पे जब लेके जाऊंगा इसको तो ये खुद ब खुद उसका पर्सपेक्टिव बना देगा। मैं जस्ट इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसने खुद ब खुद इसका पर्सपेक्टिव बना दिया। कंट्रोल टी प्रेस करके इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ ईजिली। तो इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसने ये इमेज एग्जैक्टली परफेक्टली ये इस जगह पर ले आया है और जस्ट मैं इसको ओके जब प्रेस करूंगा तो ये एग्जैक्टली उस जगह पे इमेज आ जाएगी। तो अगर आप चाहेंगे कि यार न्यू लेयर पे आए तो न्यू लेयर पे भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप,
कंट्रोल ऑल्ट जी मैं करूंगा और मैं चाह रहा हूं कि यह मैं न्यू लेयर पे करूं। न्यू लेयर पे मैं आऊंगा और न्यू लेयर पे फिनिशिंग पॉइंट पे मैं जाऊंगा और जूम करूंगा और फिर दोबारा से एरिया मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने एरिया सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया, इमेज आ गई, कंट्रोल टी किया और इसको थोड़ा सा छोटा किया इमेज को और एग्जैक्टली इस जगह पे लाके रख दिया। इसको थोड़ा सा साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारी इमेज एग्जैक्टली आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये इमेज एग्जैक्टली आ गई है और जस्ट मैं ओके प्रेस करूँगा तो ओके से क्या होगा कि ये हमारे पास न्यू लेयर पे आ जाएगी। और आप दोबारा जाके इसमें चेंजेस भी करना चाहें, आप दोबारा फिनिशिंग पॉइंट पे जाएंगे तो आप चेंजेस इसमें कर सकेंगे। तो एक और इमेज मैं ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस पर भी मैं लोगो एक प्लेस करके दिखाऊं। जैसा कि मैंने एक बॉक्स ले लिया है और मैं चाह रहा हूं कि इसके इस जगह पे लोगो हम लोगों का आ जाए, तो लोगो मैंने वो भी एक गूगल से ही मैंने ले लिया है इमेज लोगो की और मैं चाह रहा हूं ये लोगो हमारे पास उस जगह पे एग्जैक्टली आ जाए। इसको मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूं, कंट्रोल ए कर देता हूं और कंट्रोल एक्स कर देता हूं, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स करूंगा और इधर आके मैं न्यू लेयर बना लूंगा। फिल्टर्स में जाऊंगा, फिनिशिंग पॉइंट में जाऊंगा, इधर आके मैं अपना एरिया सिलेक्ट करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एरिया साफ आपके सामने नजर आ रहा है कि आपने किस एरिया पे काम करना है, आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं। ये इसने ओवरऑल इसकी ग्रिड्स बना दी हैं। अगर आप ग्रिड्स का साइज ज़्यादा करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं। ये आप देखें ग्रिड्स चेंज हो रही हैं, यूं जो मैं इसको पीछे जा रहा हूं तो ये हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा आई जा रही हैं ग्रिड्स। तो इसी तरह आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस कर सकते हैं। तो नीचे जो आपके पास ऑप्शन आ रही थी आप ब्रश की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको करके दिखाता हूँ कि मैं इस पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये हमारा लोगो आ गया है और इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म किया मैंने इसको और इसका साइज छोटा कर दिया और एग्जैक्टली इसको इस जगह पे ला के रख दिया। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट के लिए लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि आपको चीज़ें एडजस्टमेंट करने के लिए, लोगो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको चीज़ों की ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिनिशिंग पॉइंट के थ्रू आप आराम से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने इसको एग्जैक्टली उस जगह पे रख दिया। और अगर आप चाहेंगे कि अगर आपके पास इधर ऑप्शन आ रही थी ब्रश टूल की, तो ब्रश टूल भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन सा कलर आपने चाहना चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल मैं इधर चाह रहा हूँ कि यार रेड में मैं इस पर वो चाह रहा हूँ, तो अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑफ पे रख के काम करें। अगर आपने ल्यूमिनस पे करेंगे तो ये दूसरे कलर्स के साथ मर्ज करके आपको कलर देगा, मीन्स के ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर के साथ मिलके वो एक न्यू कलर बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आएगी अगर आप ऑन कर देंगे तो ये एक्यूरेटली जो है आपके साथ वाले के हिसाब से आपको कलर करके दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं। और इसके अलावा ये स्टैम्प टूल भी, स्टैम्प टूल सेम टू सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका फोटोशॉप में आपका स्टैम्प टूल काम करता है कि आप स्टैंपिंग यहाँ से लेके यहाँ पे स्टैंपिंग करनी हो तो आप जो है ना स्टैम्प टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल, उसके बाद ये वाला टूल हैंड टूल आप मूवमेंट करने के लिए कि इस तरफ करो इस तरफ करो। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं कि आपने अपने फिनिशिंग पॉइंट को कैसे यूज़ करना है। आप एक से ज़्यादा भी फिनिशिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम या एक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है क्लास तो कमेंट करें, लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह लाते रहता हूं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स डिटेल में ट्रेनिंग। इलस्ट्रेटर ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं तो फोटोशॉप की 3-4 क्लासेस रह गई हैं, उसके बाद इंशाल्लाह प्रीमियर के साथ साथ आपको फाइवर पे काम करना भी सिखाऊंगा प्रोफेशनली कि आपने फाइवर पे कैसे अर्न आउट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनुस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।